हाय, मेरा नाम भारती है। मैं नवगुरुकुल की एक स्टूडेंट हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि नवगुरुकुल में कोई टीचर्स नहीं होते हैं या एग्जाम्स नहीं होता है, तो कुछ तो प्रोसेस होगा बच्चों के एकेडमिक को देखने के लिए। तो उस प्रोसेस का एक पार्ट है एकेडमिक सर्कल, जो हम हर वीकेंड को करते हैं। बेसिकली एकेडमिक सर्कल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना लास्ट वीक के बारे में बताते हैं कि उन्होंने लास्ट वीक क्या पढ़ाई की है और उसमें उन्होंने क्या नया सीखा है और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एकेडमिक से जुड़ा हुआ या मेंटर रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेंटर्स होते हैं पर प्रॉपरली वो गाइड नहीं करते हैं, या कुछ मेंटर्स हैं जिनके मेंटी के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत ये भी शेयर करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स कोई इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो उसके बारे में भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। तो बेसिकली ये हम कैसे करते हैं, तो सारे स्टूडेंट एक सर्कल में बैठते हैं और उसके बाद वन बाय वन वो अपने स्टडी के बारे में बताते हैं। तो उससे पहले हम दो या एक स्टूडेंट्स को चूज करते हैं जो MOM लिखते हैं। तो MOM का मतलब होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हम एकेडमिक सर्कल हर वीकेंड को करते हैं उसमें जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जैसे जो टेक फच्चा होती हैं या उसके अलावा, वो हर एकेडमिक में नहीं होती हैं। मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं कि वो हर एकेडमिक सर्कल अटेंड करे, तो उनको तक ये उनको भी पता चलना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है या वो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम MOM लिखते हैं। तो जितने एकेडमिक सर्कल में जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं या जो भी स्टूडेंट शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें उस MOM में लिखा जाता है। फिर हम ये हमारे पास एक चैनल है जहाँ पे हम ये पोस्ट करते हैं जिसमें सब लोग इजीली देख सकते हैं। तो इसमें वही कि स्टूडेंट्स MOM लिखने के लिए चूज करने के बाद एक एक करके अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक वो क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में बताते हैं। तो ऑल ओवर एकेडमिक सर्कल यही होता है। थैंक यू।